अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि आप अपनी आईब्रोज को नेचुरली कैसे थिक कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग 100% वर्किंग रेमेडीज शेयर करूंगी। तो जो सबसे पहले रेमेडी है उसके लिए आपको चाहिए 3 टीस्पून एलोवेरा का जेल और एक आपको इवियन का 400 mg का कैप्सूल चाहिए। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और फिर आपने इसको कॉटन स्वैप की मदद से या जो स्पूली ब्रश होता है, जो मस्कारा जैसा ब्रश होता है, उसकी मदद से आपने उसको अपने आईब्रोज पे अच्छी तरीके से लगा लेना है और आपने इसको ओवरनाइट लगा रहने देना है और सुबह उठ के आपने इसको वॉश कर लेना है। इसके रिजल्ट्स आपको बहुत जल्दी नज़र आना शुरू होंगे, तकरीबन 3 दिन के अंदर आपको इसके रिजल्ट्स जो हैं वो नज़र आना हो जाएंगे, क्योंकि विटामिन ई जो होता है वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है हेयर फॉलिकल्स के अंदर, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और दूसरी रेमेडी ये है कि आपने मेथी दाना लेना है 1 टेबलस्पून और उसको आपने पूरी रात के लिए भिगो देना है और फिर सुबह उठ के आपने उसका पेस्ट बनाना है और उस पेस्ट को जो है आपने अपनी आईब्रोज पर अच्छी तरीके से लगाना है और उसको 30 मिनट के लिए लगा रहने देना है और फिर आपने उसको वॉश कर लेना है। जो मेथी होती है उसके अंदर, मेथी दाने के अंदर जो है वो निकोटिनिक एसिड होता है और प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपकी हेयर की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। तीसरी रेमेडी में आपने कैस्टर ऑयल लेना है 1 टीस्पून और आपने ऑलिव ऑयल लेना है 1 टीस्पून। इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्स करना है और अच्छी तरीके से अपनी आईब्रोज पर मसाज करना है और इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है, फिर आपने इसको वॉश कर लेना है। कैस्टर ऑयल के अंदर जो है वो फैटी एसिड होते हैं और राइसिनोलिक एसिड होता है जो कि हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करता है, और जो ऑलिव ऑयल होता है उसके अंदर विटामिन ई होता है, विटामिन ए होता है जो कि हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करता है। उसके अलावा जो आपकी चौथी रेमेडी है उसके लिए जो है आपको लेना है, एक आपको प्याज लेना है और उसका आपने जूस निकाल लेना है। प्याज जो होता है उसके अंदर सल्फर होता है जो कि हेयर की ग्रोथ को सपोर्ट करता है, तो आपने प्याज जो है उसका जूस लेना है और उसको अपने जो आईब्रोज होती हैं उस पर 10 से 15 से 20 मिनट के लिए आपने उस पर लगाना है और फिर उसको वॉश कर लेना है। और जो आखिरी रेमेडी है उसमें आपने एक अंडे की जर्दी लेनी है और उसको अच्छे तरीके से बीट करना है और उसको आपने 15 मिनट के लिए अपने आईब्रोज के ऊपर लगाना है और फिर उसको ठंडे पानी से आपने वॉश कर लेना है। अंडे की जर्दी के अंदर बहुत ज़बरदस्त न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके अंदर प्रोटीन होता है और बायोटिन होता है, और बायोटिन जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपकी हेयर की ग्रोथ को जो है वो प्रमोट करता है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आप ये 5 रेमेडीज़ जो है वो ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा इसके जो है मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे।